हार्दिक पांड्या बैटिंग तो कर सकता है लेकिन बॉलिंग नहीं कर पाएगा। और भाई बहुत ही क्रेजी सा मैच होने वाला है। बैट्समैन 11 के प्लेयर कैप्टन है धोनी सर और बॉलर 11 के कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नहीं, बुमराह। बैटर 11 ने टॉस जीत के हम पहले बॉलिंग लेंगे। लाइक मैं बैटर 11 से खेलने वाला हूँ और बैटर 11 को एक कंडीशन है कि लाइक वो एक ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री मार सकते हैं। लाइक बॉलर 11 में मार सकते हैं बाउंड्रीज, लेकिन बैट्समैन 11 सिर्फ एक ही बाउंड्रीज मार सकते हैं एक ओवर के अंदर। तो भाई अपना पहला ओवर विराट कोहली डालने वाले और गेम T10 फॉर्मेट में होने वाला है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फटाक से गेम को। अपनी पहले बॉलिंग है, पहली बॉल कोहली भाई से पहली बॉल फुल लेंथ पर स्लो ओवर बन देते हैं और भाई ओपन करने के लिए बुमराह और सिराज आया। भाई बुमराह ने चौका मारा कैसे, लेकिन मारा लेकिन बुमराह ने चौका। लाइक भाई कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं बॉलर्स 11 में से जिन्होंने अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लाइक वो खेलना जानते हैं, कौन सा उम्मीद कर सकते हैं बैटिंग की। लेकिन भाई बैट्समैन 11 से बॉलर्स की उम्मीद थोड़ी सी कम है, लाइक है लेकिन कम है। तो पहला तो चौके से स्टार्ट कराई भाई बॉलर्स 11 ने अपनी इनिंग को। लास्ट बॉल दोस्तों डॉट गया था थर्ड बॉल और भाई ये भी डॉट है। दोस्तों गेम हो रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, साथ ही मैंने बताया नहीं, लाइक इंडिया वालों के और बाकी कंट्रीज के लिए तो वो अपना न्यूट्रल ग्राउंड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के लिए होम ग्राउंड है। सिराज तो ऐसे स्ट्राइक पर आ गया है, सिराज का हाईएस्ट स्कोर एक है पता नहीं, 17 मैच में एक रन बनाया है सिराज ने। तो दोस्तों पहले ओवर में सिर्फ छेड़ रहे थे विराट भैया के और सेकंड ओवर में रोहित शर्मा है। भाई मुझे नहीं पता ये वीडियो पे व्यूज आएंगे कि नहीं, लेकिन मेरे को ये चैलेंज करना था। तो अगर आपको और ऐसे चैलेंजेस चाहिए तो भाई आप कमेंट्स में बताना और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब करते रोहित शर्मा से अपने बॉलिंग। तो भाई रोहित वर्सेस सिराज, लेकिन यार सिराज बैटिंग कर रहा है और भाई सिराज ने रोहित शर्मा को थर्ड मैन पर फोर पेला, लेकिन भाई बढ़िया भाई सिराज भी खेलता है ये तो पता है भाई सबको, मजा आने वाला है। चलो भाई तो सिराज ने चौका लगाया यहाँ पर, पहले भाई बुमराह ने विराट कोहली को चौका मारा था, सिराज ने रोहित शर्मा को सेकंड बॉल टॉप स्पिन दिया है। भाई मिस किया सिराज ने स्वीप करने का ट्राई तो किया था लेकिन मिस कर दिया और विकेट कीपर हार्दिक पांड्या है। फोर्थ बॉल लास्ट दो बॉल डॉट गए भाई सिराज, भाई क्या बैटिंग कर रहा है। सिराज ने इसके पहले भी फोर मारा था, अभी दो बॉल डॉट खेलने के बाद दूसरा फोर मारा अंदर आते वो ऑफ ब्रेकर। फिफ्थ बॉल भाई स्वीप, लेकिन ये भी एक फोर ही होगा। तो दोस्तों लास्ट ओवर में 13 रन आए थे और धोनी सर बॉलिंग करने के लिए आए, भाई रोहित शर्मा की पिटाई हुई लास्ट ओवर में। धोनी सर वर्सेस सिराज पहली बॉल, भाई सिराज का मस्त बैटिंग कर रहा है। लाइक सिराज के साले ने 8 बॉल में 18 रन बना दिए। आउटसुंग देने का ट्राई किया है सिराज को, टाइट यॉर्कर देने का ट्राई किया है सिराज को, टाइट चेंज करके एक इनसुंग देने का ट्राई किया है और एक और डॉट बॉल। लास्ट बॉल ओवर का भाई धोनी सर ने लास्ट 4 बॉल डॉट किए और पहले बॉल में 4 आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी ओवर डाली और यहाँ पर सिंगल में लगाई और सिर्फ 5 रन आए। बाबर आजम आया है, भाई बाबर आजम देखते हैं कैसी बॉलिंग करेगा सिराज को, कहीं सिराज पीट ना दे इसको। यहाँ पे पहली बॉल फुल लेंथ पर टॉप स्पिन दी है, लेट्स सी ड्रिल दैट वन अवे। भाई सिराज का क्या सीन है भाई, ओवर का हर स्टार्ट ओवर के स्टार्ट पर चौका ही मारेगा बाबर आजम को पहला फोर। फोर्थ बॉल बात जाती है टॉप स्पिन, भाई सिराज क्या पिटाई कर रहा है वे यहाँ पर। और भाई बाबर आजम धोनी सर की कैप्टनशिप में खेल रहा है यहाँ पे, भाई सिराज की बैटिंग तो देखो क्या सही हो रही है। फिफ्थ बॉल एक शॉर्ट बॉल दिया है और बाबर की तो भाई पिटाई हो रही है, भाई बाबर से अच्छा तो मैं ओवर डाल देता भाई। 13 रन 12 रन तो आ गए 5 बॉल के अंदर। दोस्तों 4 ओवर में 37 रन बन गए और सिराज ही अभी भी स्ट्राइक पर है। तुम भी सोच रहे होगे सिराज कितना खेलेगा, भाई 19 बॉल में 32 बना दिए सिराज ने, ट्रेविस हेड ओवर डालने के लिए आया है। पहली बॉल ट्रेविस हेड की टॉप स्पिन शॉर्ट लेंथ, लेकिन सिराज को कहां फर्क पड़ रहा है भाई। सिराज भाई लगता है सिराज को बैट्समैन बनना था लेकिन फोर्स किया गया है बॉलर बनने के लिए, क्या बैटिंग कर रहा है भाई सिराज। लास्ट में स्ट्राइक आउट हो गई थी, कैप्टन बुमराह इज ऑन द स्ट्राइक टॉप स्पिन। अरे यार देखना चाहिए था, मैंने डीप स्क्वायर खाली कर दिया भाई, स्वीप किया बुमराह ने और चौका एक और चौका। लास्ट में स्ट्राइक आउट हो गई थी, सिराज इज ऑन द स्ट्राइक थोड़ा बैकफुट पे कवर पे चौका मारेगा क्या, ये गया भाई 50 रन की पार्टनर बिल्ड करी सिराज और बुमराह ने, मजाक से हटके भाई क्या यार ये। भाई अगर गौतम गंभीर इन दोनों से बैटिंग करवाएंगे तो ये हो भी सकता है। लास्ट बॉल शॉट दूसरा से ओवर को एंड करते हैं और भाई ट्रेविस हेड जैसे पीटता है, ट्रेविस हेड जैसे पीटा है भाई, ये कितना रन बन गया क्या कर रहा है भाई। सबसे बढ़िया डाली है ना तो धोनी सर ने और दूसरा विराट कोहली ने, बाकी मेरे सारे बॉलर्स पीटे है, लाइक सारे बैट्समैन पीटे बॉलर्स से। दोस्तों 5 ओवर खत्म हो गए, सूर्य कुमार आया है 6th ओवर के लिए।
यॉर्कर से स्टार्ट करा है और आई थिंक सूर्य ने पहला विकेट निकाल दिया। बिल्कुल भाई इजी कैच, स्लो यॉर्कर भाई खेलना था बुमराह को फाइन लेग के ऊपर, लेकिन ऋषभ पंत ने बढ़िया कैच किया है। ऋषभ पंत को भी ओवर देंगे हम, टेंशन ना लो भाई। सूर्य कुमार ने विकेट निकाल दिया यहाँ पर, बताओ सूर्य कुमार विकेट निकाल रहा है भाई। 50 रन की पार्टनरशिप ब्रेक करी और देखते हैं सिराज 50 कर पाएगा कि नहीं अपनी, मजाक से अटके अच्छी बॉलिंग थी वो। तो भाई ऋषभ पंत गॉन ऑन 10, बुमराह गए 10 पर, 55 पर पहला विकेट। वन डाउन बैटिंग करने के लिए यूसी भाई आए, देखते हैं क्या होगा। फोर्थ बॉल है दोस्तों, क्या लगता है रोहित शर्मा की तरह खेलने वाले सिराज की 50 कंप्लीट हो गई। साल ने सिक्स मारा है भाई सिराज को, सूर्य कुमार को 25 ऑन 51, क्या हो रहा है भाई। साल ने एक सिक्स मारा वो 50 कंप्लीट करने के लिए। फिफ्थ बॉल स्लोवर दिया है भाई अपने ने, भाई सिराज तो बढ़िया बैटिंग कर रहा है बे। तो दोस्तों 6 ओवर में 68 रन बने और एक विकेट डाउन है बॉलर्स 11। तो भाई बॉलिंग करने के लिए विराट कोहली आए, कोहली भाई ने एक ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, देखते हैं अब किसी बॉलिंग करेंगे। पहले बॉल भाई फुल लेंथ पर इन स्विंग कर देते हैं, लास्ट बॉल हमने गलती से वाइड दे दी थी और सिराज ने अपने कोहली भैया को चौका मारा। मुझे लगा था रोक देंगे लेकिन भाई फोर चला गया भाई। 207 ओवर में 74 रन पे विराट कोहली को विकेट तो नहीं मिले लेकिन 2 ओवर में सिर्फ 12 रन आए। ऋषभ पंत इज हियर, सेकंड बॉल स्लोअर यॉर्कर कैच, साला हरामी है भाई सिराज तो। भाई सिराज क्या सोच के आया था क्या कॉन्सेप्ट गेम में पेल के रख दूंगा प्लेयर्स को, बताओ भाई इन लोगों ने मुझे बहुत मारा यार मेरी बारी है। फिफ्थ बॉल आउट स्विंगर देने का ट्राई किया है, फास्ट आउट स्विंगर एज एट लगी लेकिन एक ही रन आया। रन आउट का चांस होगा, यूजी भाई रन आउट हुए ना, यूजी भाई रन आउट हो गए भाई, यूजी भाई रन आउट हुए। An innings that promised much and really in the end delivered very little, pretty disappointing all round. तो शाहीन आफरीदी बैटिंग करने के लिए आया है, लास्ट बॉल दोस्तों शाहीन आफरीदी खेलेगा, आफरीदी वर्सेस ऋषभ पंत। भाई एज तो लगा लेकिन बॉल भी बाउंस हो गया था शायद तक। तो 8 ओवर में 2 रन बने और 2 विकेट डाउन में बॉलर्स 11। और भाई 9th ओवर केन विलियमसन को दिया, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, एक भी बॉलर लेग स्पिनर नहीं है, सारे ही ऑफ स्पिनर है। और भाई केन विलियमसन बॉलिंग करेंगे सिराज को, पहली बॉल लेट्स सी क्या होता है। पता नहीं बॉल ही कहां था। सेकंड बॉल अंदर था वो दूसरा दिया है, कैच कैच इट इजी कैच, धोनी सर बिल्कुल भाई स्टेप आउट करना था सिराज को, सिराज सेकंड बॉल पर ही आउट हो गया भाई। 68 पर आउट हुआ सिराज साला, पर बस तो खेला लेकिन भाई मजाक से अटके। भाई सिराज बहुत ही अच्छी बैटिंग करी, लेकिन अब बॉलर्स के बैट्समैन को ही पेला है सिराज ने, बट खेला बहुत सही भाई। एक कैच भी धोनी सर ने किया, युजवेंद्र चहल को रनआउट भी धोनी सर ने किया था। और भाई अब केन विलियमसन को पहला विकेट मिल गया, विलियमसन ने तो तक एक भी रन नहीं दिया और एक विकेट निकाल दिया। तो सिराज गॉन ऑन 68 बनाए सिराज ने, 12 चौके और 2 सिक्सेस मारी, रबाड़ा बैटिंग करने के लिए आया है। लास्ट 4 बॉल डॉट गई है, फिफ्थ बॉल रबाड़ा को एक शॉर्ट बॉल देने का ट्राई किया है और रबाड़ा ने स्कूप किया। भाई रबाड़ ने कैसे स्कूप कर दिया। 209 ओवर में 3 सिक्सेस बने और 3 विकेट डाउन है बॉलर्स 11। और भाई अब धोनी सर लास्ट ओवर डालने के लिए आए, थर्ड बॉल लास्ट बॉल डॉट गया था, आउट स्विंगर दिया है धोनी सर से यार, धोनी सर को 4 पड़ा रबाड़ा से। भाई बताओ लाइक 100 रन तो बन जाएंगे शायद तक, तो भाई 100 रन तो बन जाएंगे 10 ओवर में, ये चौका सही था। फोर्थ बॉल स्लोअर यॉर्कर दिया है रबाड़ा को और स्लोअर यॉर्कर पर धोनी सर ने विकेट निकाल दिया, लेट्स गो भाई। रबाड़ा ने मिस कर दिया लेकिन धोनी सर ने परफेक्टली हिट किया था और भाई यॉर्कर तो राइट ऑन टारगेट हो गया ही है। ड्रीम यॉर्कर भाई, ड्रीम यॉर्कर, धोनी सर ने विकेट निकाल दिया यहाँ पर। भाई बैटिंग करना हो, विकेट कीपिंग करना हो, कैप्टनसी करना हो, फील्डिंग करना हो, बॉलिंग करना हो, धोनी सर सब कर सकते हैं। ट्रॉफी जीतना हो, लास्ट बॉल इनिंग का भाई 4 तो नहीं गया, सिंगल मिल जाएगा। तो भाई 100 रन तो नहीं बने और 92 रन बने बॉलर्स 11 के और धोनी सर ने बहुत ही अच्छी ओवर डाली। ये ओवर में भी सिर्फ 6 रन आए और एक विकेट निकला, इसके पहले सिर्फ एक ओवर में 5 रन आए थे। तो सब बॉलर्स 11 ने 10 ओवर में 92 रन बना दिए और भाई सिराज ने ही बढ़िया खेला है, बाकी किसी भी बॉलर ने अच्छे से बैटिंग नहीं करी है भाई सिराज ने, लेकिन बहुत अच्छा खेला है। लेकिन मैं एक बात बोल दूं भाई, जो बॉलर्स नहीं खेल पाए ना भाई वो सारे लाइसेंस प्लेयर्स थे और सिराज ये कस्टम मेड प्लेयर है। मतलब हाँ सिराज ऑफिशियली गेम के अंदर नहीं है, सिराज को डाउनलोड किया था मैंने, तो ये बता दूं। बाकी जो ऑफिशियल प्लेयर्स थे उनमें से कोई नहीं खेल पाया। तो ठीक है दोस्तों, बैटर 11 को 93 रन चाहिए, लेकिन हम एक ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री मार सकते हैं, या तो 4 या तो 6, वो मेरे पर डिपेंड करता है। सूर्य कुमार यादव और डेविड मिलर ओपन करने के लिए आए और मिचेल स्टार्क पहला ओवर डालने वाला है। फर्स्ट बॉल
सूर्य कुमार वर्सेस मिचेल स्टार्क, दो रन मिल जाएंगे या सिंगल। लाइक मैं उन प्लेयर से ओपन करवा रहा हूँ जो फर्द ओपन करते नहीं है। और भाई यहाँ पर भी एक और सिंगल, मिलर इज ऑन द स्ट्राइक। भाई यॉर्कर दिया था मिलर को स्टार्क ने और यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। लास्ट बॉल है पहली ओवर को, भाई अभी तक इतने भी बाउंड्री नहीं मारी है और वो बाउंड्री सिक्स हमने खत्म करी। तो पहले ओवर में 10 रन आए, इनको अगर यही करेंगे ना हम 10 ओवर तक तो मैच आराम से जीत जाएंगे। सूर्य कुमार ने यॉर्कर में बहुत ही सही बाउंड्री मारी यहाँ पे, लाइक सिक्स मारा और भाई इनिंग का पहला सिक्स। हरदीप पाजी आए सेकंड ओवर के लिए और पहले ओवर में 10 रन आए, पाजी देखते किसी बॉलिंग करेंगे। लास्ट बॉल पे दोस्तों वाइड था और अंपायर ने बाउंसर की वार्निंग भी दे दी और ये खेला है फाइन लेग पर सिंगल। ओवर थ्रो भाई, देखो भाई इसमें अपनी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बाउंड्री लेजिटिमेट मानूंगा ही मानूंगा। भाई हम मार सकते हैं अभी बाउंड्री, भाई प्लेयर की गलती है, उसने थ्रो मारा वो ओवर थ्रो हुआ, भाई इसमें अपनी कोई गलती नहीं है, हमको 5 रन मिलेंगे यहाँ पर। सेकंड बॉल ओवर का, भाई उठाया तो है गैप में बट कैच का कॉल, फोर गया मुझे लगा नहीं जाएगा बट चला गया। अब हम बाउंड्री नहीं मार सकते ओवर के अंदर। फिफ्थ बॉल, अबे बैकफुट पे क्यों भाई क्यों खेला यार, क्या कर रहा था भाई मिलर, बाउंड्री तो वैसे भी नहीं मारनी थी भाई। बैकफुट पे मिलर ने पता नहीं सेंटर खेलने का ट्राई किया बट भाई मिड ऑफ ने ही कैच कर लिया वहां पर। भाई कौन था, कमिंस खड़ा था भाई, ये तो हर जगह ये जब भी दिख जाता है भाई गुस्सा अलग आता है मेरे को, लाइक भाई इतना अच्छा प्लेयर है इसलिए, लेकिन कमिंस ने कैच अच्छा करा और पहला विकेट गया अपना पहला विकेट गया। लाइक मेरे को गॉड की तरफ खेलना था लेकिन भाई मिड ऑफ पे बॉल चला गया और कैच कर लिया भाई कमिंस ने। डेविड मिलर गया 7 रन पर और बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा ने ट्रेविस हेड आने वाले हैं। भाई ट्रेविस हेड आया बैटिंग करने के लिए, लेट्स सी क्या होता है। थर्ड ओवर के लिए साइन अफरीदी आया और बड़े दो ओवर में 25 रन बने और एक विकेट डाउन है बैटर 11। फोर्थ बॉल सूर्य कुमार इज बैक ऑन द स्ट्राइक, भाई कैच हो गई है। अब यार फाइन लेग पर खेलना था लेकिन गलत शॉट लग गया और भाई अर्दीप पाजी ने ही कैच कर लिया। भाई ऐसा ही शॉट मैंने पहले बॉल पे सिक्स मारा था, सेम वही शॉट खेलना था भाई जो स्टॉकहोम ने सिक्स मारा था, लेकिन यहाँ पर स्लोअर वन में भाई फंसा दिया आपने को क्या नाम है यार इसका अफरीदी ने, और भाई साइन अफरीदी को विकेट मिला और सूर्य कुमार गॉन ऑन 14/27 पर सेकंड विकेट। अभी बाउंड्री की एक सिक्स नहीं आई अपनी। भाई रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए आए, रोहित भाई बढ़िया खेलना है। भाई रोहित शर्मा इज ऑन द स्ट्राइक, यॉर्कर बस कर भाई अफरीदी बस कर। रोहित शर्मा को यॉर्कर दिया था, 5 यॉर्कर था, वाइड यॉर्कर था एक्चुअली तो, लेकिन बॉल जैसे ही आया रोहित शर्मा ने खेल दिया और सिक्स, बढ़िया सिक्स भाई बढ़िया सिक्स। अभी फाइनल लेग को फील्डर था, अभी लेग साइड पर कोई भी नहीं था, तो भाई हमने रोहित शर्मा ने सिक्स इनिंग को स्टार्ट कराया अपनी। लास्ट ओवर स्ट्राइक रेट हो गई थी भाई, हरदीप पाजी ने रोहित शर्मा के लिए शॉर्ट कवर्स और मिड विकेट दोनों रखा था, शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट कवर्स दोनों थे लेकिन रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ा और भाई रोहित शर्मा ने कवर्स के ऊपर एक सिक्स मार दिया और बाउंड ओवर की एक बाउंड्री तो आ गई यहाँ पर। भाई बहुत ही क्रेजी शॉट खेला रोहित शर्मा ने यहाँ पे। ट्रेविस हेड वर्सेस अफरीदी, भाई क्या था वो, अबे टाइमिंग लेट हो गई, मैंने खेला तो सही से था फाइन लेग पर, भाई बैट पर बॉल लगे स्टंप पर लग गया बताओ, बढ़िया भाई अफरीदी ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया और भाई तीसरा विकेट 48 के ऊपर। भाई विराट कोहली इज हियर, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्लेइंग वंस अगेन और भाई रोहित शर्मा ने विराट कोहली ने दो रन निकाले यहाँ पे। फोर्थ बॉल भाई बहुत अच्छी ओवर डाली है आफरीदी ने, लेकिन रोहित शर्मा स्ट्राइक पर हो तो अच्छी ओवर नहीं जा सकती बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई एक और यॉर्कर एक और सिक्स, भाई यॉर्कर पे ड्राइव शॉट को आउट जरूर करा था लेकिन रोहित शर्मा ने सिक्स खा ली। बॉल ऑफ द ओवर, बाउंड्री नहीं मार सकते नेक्स्ट ओवर में, हम कोई भी बाउंड्री नहीं मार सकते। 6 ओवर में 65 रन बने और 3 विकेट डाउन और भाई ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने के लिए आया है भाई यहाँ पर, रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट और ये ओवर में बाउंड्री मार सकते हैं। फोर्थ बॉल भाई ट्रेंट बोल्ट ने वाकई बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है, बीट करा यहाँ पर रोहित शर्मा को, लाइक लास्ट 4 ओवर में सिर्फ 2 रन बने। फिफ्थ बॉल ऑफ द ओवर, मुझे खेलना था स्ट्रेट ड्राइव एंड फोर्थ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सिक्स ज्यादा तो और अच्छा होता लेकिन था, बाउंड्री मार नहीं सकते। लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन बने और रवाड़ा बॉलिंग करने के लिए आया है, पता नहीं भाई क्यों अपने इंडिया के प्लेयर्स बॉलिंग करने के लिए नहीं आ रहा है। और भाई 7 ओवर में 72 10 का एवरेज मेंटेन हो रहा है, अब 3 ओवर में 21 रन चाहिए। रवाड़ा वर्सेस विराट कोहली, पहली बॉल B10 डॉट बॉल, फोर्थ बॉल भाई लास्ट बॉल डॉट दिया था, उठाने का ट्राई तो किया लेकिन टाइमिंग अर्ली और 38 में रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। यार मुझे लगा था कि चला जाएगा कवर्स के ऊपर लेकिन नहीं भाई, रोहित शर्मा ने
शॉट तो ऐसा खेले है लेकिन भाई ये गलत लग गया। और भाई 38 में इजीली कैच कर लिया यूजी पाजी ने, अर्दीप पाजी ने। भाई रोहित शर्मा गोन ऑन 33 और अब बैटिंग करने के लिए धोनी सर आने वाले और अभी तक ओवर की एक भी बाउंड्री नहीं आई है। फिफ्थ बॉल भाई ओवर से एक रन बना है, यॉर्कर था लेकिन फोर नहीं यार, फोर नहीं जाना चाहिए था, सिक्स जाता तो सही रहता। पांच रन आए अब तक सिर्फ ओवर में और भाई धोनी सर ने अपनी इनिंग को चौके से स्टार्ट करा है। पैट कमिंस इज योर और भाई लास्ट कुछ ओवर्स बहुत ही अच्छी डाली है, लाइक ये सारे इंटरनेशनल बॉलर्स ने। आठ ओवर में 78 रन बने और चार विकेट डाउन है बैटर्स 11 और भाई अब 12 बॉल में 15 रन चाहिए। पैट कमिंस इज धोनी सर विराट कोहली को बाहर जाती हुई बॉल खेलना थोड़ी सी दिक्कत होती है और वाइड ने तो नहीं दिया अंपायर ने, लेकिन डॉट बॉल लास्ट बॉल ओवर का और भाई खेला है स्ट्रेट पर और भाई अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आई थी, ये ओवर की सिक्स चला गया, सिक्स चला गया भाई इजी। कोहली वर्सेस पैट कमिंस और कोहली ने बहुत ही सही सिक्स मारा भाई, नीडेड सिक्स था, लाइक धोनी सर को बीट किया था भाई पैट कमिंस ने, हमने स्ट्राइक आउट करी और विराट कोहली को बीट किया लेकिन लास्ट में सिक्स पड़ा, सही भाई। अब एक ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए, 9 ओवर 38 रन बने और 4 विकेट डाउन है बैटर्स 11 और अब तो सिर्फ जीतने के लिए 5 ही रन चाहिए, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर भाई, तो सिर्फ 4 रन चाहिए जीतने के लिए। विराट कोहली इज ऑन द स्ट्राइक, यॉर्कर कहाँ दे रहा है भाई यार, पागल वागल है क्या रबाड़ा भाई, चौके ही चौका मार के खत्म ही कर दी इनिंग। विराट कोहली और धोनी सर पहली बार नहीं हुआ है जब इंडिया के लिए मैच जीत रहे हो, तो यहाँ पर अपनी टीम के लिए भी जीता लगा, मेरी टीम के लिए बैटर्स 11 के लिए भी जीता। This has been a famous और भाई बैटर्स 11 won by 6 wickets, पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया लेकिन यार इन लोगों को देनी चाहिए थी बॉलिंग। तो 210 ओवर में बॉलर्स 11 ने 92 रन बनाए और 4 विकेट डाउन, तो लेकिन 9.2 में ही बैटर्स 11 ने उसको चेज कर दिया और वो भी 4 ही विकेट लॉस किया उन्होंने भी। तो दोस्तों बॉलर्स 11 ने 10 ओवर में 92 रन बनाए और 4 विकेट डाउन थे और बैटर्स 11 ने 9.2 में ही उसको चेज कर दिया और 93 रन बनाए, 4 विकेट वो भी डाउन हुए। ये चीज समझ नहीं आई कि भाई इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग क्यों नहीं करी है। देखो भाई स्टार्क ने एक ओवर डाला, हरदीप पाजी ने 2 ओवर डाले, आफ्रिदी ने 2 ओवर डाले, पैट कमिंस ने 2 ओवर डाले, ट्रेंट बोल्ट ने 1 ओवर डाला, रबाड़ा ने 1.2 लाइक पर 2 ओवर डाले रबाड़ा ने, लेकिन कुलदीप यादव को बॉलिंग नहीं मिली, सिराज को बॉलिंग नहीं मिली, भाई बुमराह ने बॉलिंग नहीं करी, पता नहीं 3 बॉलर्स को क्यों इन लोगों ने मिस किया और भाई एक एक ओवर दिया है, लाइक पता नहीं अब क्या था भाई बुमराह के दिमाग में, बुमराह कैप्टन था लेकिन भाई हमने यहाँ पे इजीली चेस कर दिया है और कुछ ओवर्स भाई कुछ प्लेयर्स की पिटाई हुई है और कुछ प्लेयर्स ने अच्छी बॉलिंग करी है मजाक से हटके। लाइक ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ एक ओवर में 6 रन दिए थे, ट्रेंट ओवर को लास्ट बोल देते तो कुछ बात अलग बनती, लेकिन मैंने तो यहाँ पे इजीली चेस कर दिया और भाई हम 6 विकेट से मैच जीत गए। विराट कोहली ने विनिंग शॉट लगाया और मैन ऑफ द मैच सिराज को मिली है भाई, सिराज ने 68 रन बनाए तो मैन ऑफ द मैच मिली। तो ठीक है, आई थिंक मैं भी इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर ही एंड करता हूँ। आई होप कोई वीडियो पसंद आई हो, मुझे नहीं पता भाई इस पर व्यूज आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके मैंने आपको वीडियो कैसी लगी, आपका फेवरेट मोमेंट या फेवरेट शॉट या फेवरेट पार्ट भी कोई हो या फेवरेट प्लेयर वो भी कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।